पंछी जैसे रेंज में आता है तो शेरनी उसे दबोच लेती है। तभी शेर भिखारी की तरह वहाँ आता है और शेरनी पर रोक जमाने लगता है। फिर भी शेर आगे आकर शेरनी को बोलता है, अरे जान सुनना। शेरनी गुस्से से बोलती है, दूर हटो मुझसे, शिकार मिली नहीं कि आ गए मुंह उठा के। शेर शेरनी को इमोशनल करते हुए बोलता है, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तभी शेरनी गुस्से से बोलती है, पहले शिकार पकड़ के लाओ। तभी शेरनी के मुँह से पंछी छूटता है और ये शेरनी अचानक आक्रामक पोजीशन में आती है और तालाब के किनारे अपने अपने हिसाब से आक्रामक पोजीशन में बैठती है। पीछे से शेर उनको कवर दे रहा था। इनमें से ये शेरनी मुझे सबसे ज्यादा सीरियस लग रही है, दूसरी थोड़ा कम सीरियस है और तीसरी बस मजबूरी में खड़ी है। इसके बैठने के अंदाज से ही आपको आइडिया आ गया होगा। तो ऐसा क्या है वहाँ जिसकी वजह से ये शेरनिया अपनी आंखें जमाए बैठी है? तो मैं कैमरामैन से विनती करता हूँ कि कैमरा थोड़ा उधर घुमाइए। हाँ हाँ बस बस थोड़ा जूम कीजिए। हाँ हाँ बस बस। तो यहाँ कोपचे में एक पंछी तैर रहा है। पंछी अपनी ही धुन मस्त मगन था। आगे इसकी मौत इसे घूर रही है। पंछी जैसे रेंज में आता है तो शेरनी उसे दबोच लेती है। तभी शेर भिखारी की तरह वहाँ आता है और शेरनी पर रोक जमाने लगता है। शेरनी, पंछी और शेर तीनों झाड़ियों में घुसते हैं, पर वापस सिर्फ शेरनी आती है। मतलब साफ है, शेर ने पंछी का गेम बजा दिया। दोपहर के 2:15 बजे शेरनी फिर काम पे लगती है। इस बार ये एक पत्थर का सहारा लेके खुद को छुपाती है। उसके सामने से एक सुंदर पंछी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैरते हुए गुजर रहा था। पंछी रेंज में आते ही शेरनी उसे दबोच लेती है। पंछी को पकड़ते ही वह सबसे पहले आसपास शेर है कि नहीं ये देखने लगती है। तभी वह शेर टपकता है और वह लेग पीस की डिमांड करने लगता है, लेकिन शेरनी उसे मना करती है और कोपचे में जाकर खुद ताव मारने लगती है। तभी वह शेरनी की सहेली आती है और खुद की शिकार समझ के खाने लगती है। पहली शेरनी शिकार देने से मना करती है, दूसरी शेरनी बोलती है, अरे मैं तेरे साथ ही हूँ, और वह शेर को पीछे हटने को बोलती है। फिर भी शेर आगे आकर शेरनी को बोलता है, अरे जान सुनना। शेरनी गुस्से से बोलती है, दूर हटो मुझसे, शिकार मिली नहीं कि आ गए मुंह उठा के। शेर शेरनी को इमोशनल करते हुए बोलता है, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला सकता हूँ। तभी शेरनी गुस्से से बोलती है, पहले शिकार पकड़ के लाओ। तभी शेरनी के मुंह से पंछी छूटता है और सीधा पानी में जाता है। शेरनी शेर पर गुस्सा करके बोलती है, अरे मनहूस, शिकार भाग गया तेरी वजह से। लेकिन इसका शेर पर थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता, इसके चेहरे पे थोड़ी भी शिकस्त नहीं दिखती। शेरनी धीमी आवाज में शेर पर गुस्सा करके बोलती है, क्यों किया तुमने ऐसा, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? शेर बोलता है, तुम्हारी और खींचा चला आता हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? उसकी जीवन रेखा लंबी थी तो इसमें मेरा क्या कसूर? बस उसी दिन से जब भी शेरनी किसी पंछी का शिकार करती तो शेर दौड़ा चला आता, पर शेर खुद पर काबू करके अपने मन को दूसरी ओर डाइवर्ट करता है। आज शेर खाने के लिए झगड़ा नहीं करता, इधर खाने में शेरनी का मन नहीं लगता, उसे कुछ सुना सुना लग रहा था। शेरनी पति की तरफ देख के बोलती है, सुनो जी, आज झगड़ा नहीं करोगे? तुम्हारे बिना खाने में जी नहीं लगता। शेर बोलता है, पहले तुम खाओ, मैं बाद में खाता हूँ। दोस्तों, हर घर के पति पत्नी की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है। एग्री करते हो तो लाइक करो और शादीशुदा लोग अपनी राय कमेंट में बताना। ओके।